हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विजय। आज हम बात करने वाले हैं फिर से टेक न्यूज़ के बारे में। सेक्शन है इन द न्यूज़, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ निकल करते हैं नोकिया के नए फोन्स को लेके। नोकिया के कुछ नए फोन्स लॉन्च होने वाले बहुत ही जल्द, जिसके अंदर आता है नोकिया का 8.2 जो कि 5G वेरियंट होने वाला है। साथ में आने वाला है नोकिया 5.2 एंड नोकिया 1.3 जो कि एक मिड रेंज फोन होने वाला है। तो नोकिया 8.2 की प्राइस भी लीक हो चुकी है, जो कि आने वाला है तकरीबन 36,000। तो 5G फोन है, देखेंगे कि ये क्या क्या अपने साथ लेके आता है। तो रूमर्स ये बता रही है कि अपने पोलेट डिस्प्ले के साथ या फिर अपने LCD पैनल के साथ ये फ़ोन आ सकता है। स्नैपड्रैगन का 765 वाला SoC इसके अंदर होने वाला है और 5G मॉडेम इसके अंदर होने वाला है। तो डेफिनेटली प्राइस थोड़ी हायर ही होगी, और अगर नोकिया है तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो 6GB रैम, 128GB के इंटरनल स्टोरेज, या फिर 8GB रैम, या फिर 128GB का स्टोरेज, या फिर 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज इसके अंदर होने वाला है। 32MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा होने वाला है, जैसे कि हमने 7.2 में देख लिया था, और 3500 mAh का बैटरी, हेडफोन जैक एंड साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन के अंदर होने वाला है। तो गाइस, अगले न्यूज़ निकल के थे सैमसंग के A51 को लेके। इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स मैं ऑलरेडी पहली वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये लॉन्च होने वाला है कल ही, तो कल लॉन्च होने वाले होने के बाद हम डिस्कस करेंगे इस फ़ोन के बारे में। तो गाइस, अगली न्यूज़ निकल के आती है नई इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है आथर एनर्जी। गाड़ी आती है 3 कलर्स में, ग्रीन, ग्रे एंड वाइट, और गाड़ी की कीमत है 99,000 रुपीज़। एक बार चार्ज करने के बाद गाड़ी चलती है 85 किलोमीटर तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये टेक्निक्स बन जाती है, और 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने के लिए गाड़ी को लगते हैं सिर्फ 3.3 सेकेंड्स। तो गाइस, अगली न्यूज़ निकल के थे मोटरोला के नए फ़ोन को लेके, जिसका नाम है H+, मोटरोला H+। और ये फ़ोन इसके स्कोर्स को देखते हुए आई थिंक ये हाई एंड फ़ोन होने वाला है, और 12GB की रैम इसके अंदर दिखाई दे रही। तो बस इतने ही डिटेल्स फिलहाल है जितने मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया है। तो जैसे काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाते हैं तो फिर से वही न्यूज़ लेके आ जाऊँगा। सेक्शन है इन द न्यूज़, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को बोल दीजिए हमेशा की तरह कि अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।